आप देख सकते हैं लखनऊ राजधानी के इस वक्त मैं बुद्धेश्वर पुल के नीचे खड़ा हूँ, मंदिर भी सामने है। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं सरोसा भरोसा के, जो नगर निगम जोन 6 के कर्मचारियों से बहुत ही उत्पीड़न है। इनका कहना है कि हॉल टैक्स में लापरवाहियां बरती जाती हैं और दूसरी चीज विकास वहां पर है ही नहीं, विकास है ही नहीं, नालियां कूड़ा गंदगी दुनिया भर की समस्याओं से बहुत पीड़ित है किसान भाई। इनका कहना है कि जब हमको मूलभूत सुविधाएं विकास संबंधित मिल नहीं रही हैं तो हॉल टैक्स हमसे क्यों। दूसरी चीज कर्मचारियों के कुछ लापरवाहियां इतनी ज्यादा है कि हॉल टैक्स को लेकर किसानों पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रलोभन का चक्कर है जिसमें आज हम किसान नेता दीपक पाल हैं, हम किसान नेता लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं विषय में जोन 6 के अधिकारियों के विषय में। सर क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर दीपक पाल, मैं छोटा सा अधिकारी भारतीय किसान यूनियन अवध राज्य संगठन के नगर अध्यक्ष। सर ये बताइए कि नगर निगम समस्या को लेकर जो आज आप घेराबंदी करने जा रहे थे, एक मैसेज चला था सुबह और घेराबंदी नगर निगम जोन 6 कार्यालय का करने जा रहे थे, आज यहाँ बुद्धेश्वर पर आप रुक गए हैं, ये कारण बताइए वहाँ जाने की वजह यहाँ क्यों रुक गए? एक्चुअली हम लोग तैयारी कर रहे थे और तैयारी क्या, हम लोगों की बहुत ही पीड़ा ये है कि कल रविवार था जो छुट्टी का दिन होता है, किसान हमारा जो ओलावृष्टि हो रही है उससे हमारा पीड़ित है अभी, जिसमें कि सरकार समर्थन भी दे रही है, उसके बावजूद नगर निगम के कुछ अधिकारी जो छोटे कर्मचारी हैं वो आकर के हमारे सरोसा भरोसा गांव भी 6 महीना मुश्किल से हुआ है जो कि नगर निगम में आया है, उसके 6 महीना बीतते ही हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं और उनको रसीद देते हैं 1.5-2 लाख रुपए की रसीद दी जाती है, उन कर्मचारियों का नंबर दिया जाता है, कर्मचारी कहते हैं कि इस नंबर पर फोन करके हमारे पास आ जाना और वहां पर सेटलमेंट आपका कर दिया जाए। तो ये सेटलमेंट मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों को इस तरीके की रसीद क्यों दी जा रही है, रसीद जरा दीजिए, हमारे पास रसीद दी है, हम बिना प्रारूप के ऐसे बात नहीं करते। तो अभी जोनल साहब का फोन आया है, जोनल से मनोज कुमार यादव जी का, कि आप वहीं पे रुकिए, मैं वहीं पे अधिकारी भेज करके आपकी समस्या का निस्तारण करवा दूँ। ये देखिए यहाँ पर रसीदें हैं जो कि नगर निगम से हमें दी गई हैं, यहाँ पर देखिए 47,250, इसको हटाइए, पकड़िए साहब, ये 26,437, ये हटाइए 23,287, 1,75,725। सर बाकी जैसे ये हॉलटैक्स की समस्या आ रही है जी और ये कर्मचारी को कहने के लिए कौन से कर्मचारी हैं जो आप दबाव बनाना चाहते हैं, ये खुल के बताएंगे सर? हाँ बिल्कुल बताएंगे, मैं खुल के का मैं कर्मचारी अमरनाथ वर्मा है जो कि वहाँ पर पद इनका लिपिक का है और लिपिक का आप भी जानते हैं कि बाबू होते हैं वो कर्मचारी जो होते हैं वो ऑफिशियल काम करने के लिए लिपिक का चयन किया जाता है जो कि ऑफिस में आपकी कागजी लिखा पढ़ी करने का काम उनका होता है। अब वो आकर के फील्ड में अगर दौड़ा भागी कर रहे हैं तो उसे आप भी समझ सकते हैं और जनता भी समझ सकती है वो क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं। अच्छा जैसे आपके सरोसा भरोसा क्षेत्र में ये नगर निगम की सीमा में कितने दिन पहले आया था? 6 महीना मुश्किल से हुआ है, अभी पार्षदी का चुनाव जब हुआ है, 1.5 लाख रुपए का बिल, मतलब आपको बिल बना के दे रहे हैं हम, इसका 1.5 लाख रुपए 3 साल का दे रहे हैं, ये बता रहे हैं 4 साल पहले आ गया था जिसकी जानकारी ही नहीं है। अभी वहाँ पर न सफाई कर्मचारी है, ना सीवर है, ना जल निकासी का कोई कार्यक्रम है, ना ही वहाँ पार्षद के द्वारा कोई भी प्रक्रिया की जा रही, केवल टैक्स वसूली की जा रही बस। अच्छा सर ये बताइए 1 साल का 1 मकान का हॉल टैक्स कितना होता है? अब ये तो कर्मचारी जाने एरिया के हिसाब से नहीं, आपको अंदाजे से आपको दिया जा रहा है, ये अंदाजे से दिया जा रहा है, अंदाजे से इसलिए दिया जा रहा है ज्यादा बना करके, जब किसान हमारा कहता है कि यहाँ पे कोई विकास तो हुआ नहीं भैया, तो वो कहते हैं पहले आप पैसा दीजिए तब आपका विकास होगा। तो बताइए हमारी जब गेहूँ की फसल होती है क्या हमको एडवांस मिलता है पैसा क्या? जब देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।